हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं और मेरे अलग अलग जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसके अलग अलग मेरे कई वीडियोस आ चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जितने मैं आपको टॉपिक लाया हूँ उस पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ले आ रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी फुल प्रूफ हो जाए। तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हम अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया पे, भारत का अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने से पहले आप प्लीज़ वो लेक्चर देखिए और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन था उसमें जो बार BARC और इसरो का जो टॉपिक है उसको आप जरूर देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर प्लीज़ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है और वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इससे मुझे एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ ताकि आपकी तैयारी फुल प्रूफ हो और आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनली इसरो वॉज अंडर विच डिपार्टमेंट, मूलतः इसरो किस विभाग के अंतर्गत था? तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने पढ़ा चुका है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जब इसरो फाउंड हुआ था तब किसके अंतर्गत था? तो इसका सही आंसर है, बहुत लोग आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, लेकिन इसका गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये बना था। तो इसरो फाउंड हुआ था 1969 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और 1972 में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना तो वो इसके अंदर चला गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये जब मैं आपको इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आपको, इसरो का डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है, जितने भी सेटेलाइट्स वगैरह रॉकेट लॉन्च होता है वो यहीं से होता है। विच इज़ द फर्स्ट सेटेलाइट ऑफ इंडिया लॉन्च बाई इट्स ओन स्पेस व्हीकल, अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, सरल, कल्पना फर्स्ट या रोहिणी? बहुत तो इसका आंसर आर्यभट्ट लगा देंगे लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका आंसर है रोहिणी, क्योंकि इंडियाज की सबसे पहली सेटेलाइट जो थी वो आर्यभट्ट थी लेकिन इसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था क्योंकि हमारे पास इतने लॉन्च व्हीकल नहीं थे, लेकिन जो हमारे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था वो सबसे पहला सेटेलाइट रोहिणी था। रोहिणी 1980 में सबसे पहला सेटेलाइट था जो कि SLV-3 से लॉन्च किया गया था। ये सब पढ़ा चुका है मैंने आपको लेक्चर में, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पहले देखिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज सिचुएटेड एट, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद? बताइए फ्रेंड्स, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था, इसका सही आंसर है अहमदाबाद। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ इसरो दैट इज इंगेज इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड सैटेलाइट नेविगेशन। बेसिकली एक रिसर्च डिपार्टमेंट है और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसरो का। मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ GSLV-MK3 इज, GSLV जो MK3 है उसका अधिकतम भार वहन क्षमता क्या है जो एक सेटेलाइट ले आता है, रॉकेट स्पेस व्हीकल है? 2200 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम, 5650 किलोग्राम, 3250 किलोग्राम। तो बताइए फ्रेंड्स, पढ़ा चुका है मैंने आपको, इसका सही आंसर है 4000 किलोग्राम। गगन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ नेविगेशन सैटेलाइट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू ऑर्गेनाइजेशन, नेविगेशन उपग्रह गगन किन दो संगठनों की संयुक्त परियोजना है? इसरो DRDO BARC, इसरो BARC या इसरो AAI और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो क्या सही आंसर है तो फ्रेंड्स इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर देखें, जिनको दिक्कत हो रही है वो लेक्चर जरूर देखें। गगन जो है सबसे पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ओवर इंडियन स्पेस। जितनी भी हमारी फ्लाइटें वगैरह होती हैं वो सब जो कंट्रोल हो रही है वो गगन से हो रही हैं, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसरो ने गगन के लिए एक संयुक्त परियोजना करी थी। द फर्स्ट ISRO सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन विच ईयर, पहला ISRO उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2013, 2 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2011, 1 जुलाई 2015। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई 2013, जो बाद में फेल भी हो गया था। विच आर द फ्लाइंग आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, भू स्थिर उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? अल्टीट्यूड 3600 किलोमीटर, रोटेट विद स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ बोथ एंड बी, ऑर्बिट्स आर यूज फॉर ISRO सैटेलाइट। बताइए फ्रेंड्स सही आंसर क्या है, इसकी हाइट 3600 किलोमीटर होती है, ये अर्थ की स्पीड जितनी अर्थ की स्पीड होती है और डायरेक्शन उसी के साथ ये रोटेट करता है, दो एयर भी दोनों या ये ISRO सैटेलाइट यूज होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बोथ ए एंड बी दोनों सही है।
और ये आईएलएस सेटेलाइट के लिए यूज नहीं होता, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट जैसे संचार वाली उपग्रह होते हैं उनके लिए जो स्टेशनरी सेटेलाइट यूज होते हैं, कम्युनिकेशन सेटेलाइट के लिए यूज होता है क्योंकि आते हैं इसलिए ताकि, क्योंकि आप एंटीना देखो आपके घर में एंटीना लगा हुआ तो एंटीना क्या होता है फिक्स रहता है ना, वो सेटेलाइट से मैच कर जाता है, उसको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं है, जैसे अर्थ घूम रहा है वैसे सेटेलाइट भी घूमती रहती है तो वो फिक्स रहता है, इसलिए कम्युनिकेशन सेटेलाइट में जियो स्टेशन यूज करते हैं। द चंद्रयान वन मिशन एग्जीक्यूटेड बाई इसरो वॉज लॉन्च बाई विच स्पेस व्हीकल, चंद्रयान इसरो द्वारा चंद्रयान वन मिशन किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जीएसएलवी माइक थर्ड, जीएसएलवी माइक सेकंड, पीएसएलवी सी 11 या पीएसएलवी सी 25। इसका सही आंसर दोस्तों पीएसएलवी सी 25। जीएसएलवी तो होगा नहीं क्योंकि जीएसएलवी होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, चंद्रयान है तो पोलर ऑर्बिट होगा, तो इसका आंसर हुआ पीएसएलवी सी 11। ये चंद्रयान वन जो है इंडिया का पहला मिशन था मून पे, अभी चंद्रयान टू चल रहा है, जल्दी ही आ जाएगा 2019 में इसका प्लान है करने का, 2008 में आया था ये चंद्रयान वन। मार्स ऑर्बिट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटेड बाय इसरो वाज लॉन्च बाय विच स्पेस व्हीकल, इसरो द्वारा मंगल ऑर्बिट मिशन किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जीएसएलवी माइक थर्ड, जीएसएलवी माइक सेकंड, पीएसएलवी सी 11, पीएसएलवी सी 25। इसका सही आंसर है दोस्तों पीएसएलवी सी 25। इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन है जो कि 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था और मार्स में पहुंच गया था 24 सितंबर 2014 को। इसरो लॉन्च इट्स हैवीएस्ट रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ऑन 5 जून 2017 एंड प्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट, समझे, इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जीएसएलवी माइक 3 5 जून 2017 को लॉन्च किया और निम्नलिखित में से किसका कौन सा संचार उपग्रह कक्षा में रखा, मतलब कि इसके थ्रू किस सैटेलाइट को उसने भेजा था, GSAT-21, GSAT-19, सरल और GSAT-11। तो कैसे आंसर दोस्तों GSAT-19। GSAT-19 पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो कि GSLV Mark 3 का था। GSLV Mark 3 का पहला सैटेलाइट कौन था, GSAT-19, ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, द फर्स्ट डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया पहला समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह, सरल, कल्पना फर्स्ट, रोहिणी, इनसेट। तो क्या सही आंसर है दोस्तों कल्पना फर्स्ट, ये सब पढ़ा चुका है मैंने आपको, इसको पहले मेटसेट फंड कहते थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम बेसिकली कल्पना रख दिया है, वो कल्पना थी जो एक एस्ट्रोनॉट थी, एक दुर्घटना में उनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उनकी उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी उन्हीं की याद में जो है इसको मेटसेट फर्स्ट को कल्पना नाम रखा गया था। पीएसएलवी सी 4 से इसको लॉन्च किया गया था। द फर्स्ट आईएसआरओ सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाई विच कंट्री, इसरो का पहला आईएसआरओ सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस। तो सही आंसर दोस्तों यूएसएसआर, क्योंकि हमारे पास उस समय इतने बुरा नहीं थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं थे ये। ओके फ्रेंड्स, और सारे आईएसआरओ सैटेलाइट कहाँ जाती हैं, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाती हैं। सरल इज द सैटेलाइट ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू कंट्रीज, सरल किन दो देशों का ये संयुक्त उपग्रह परियोजना है, इंडिया फ्रांस, इंडिया रशिया, इंडिया जापान, नव द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर है इंडिया और फ्रांस। मिशन इसरो और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES दोनों के मिल के जो है सरल बनाया था। ओके फ्रेंड्स, ये बेसिकली समुद्रों का जो है अध्ययन करने के लिए था। रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रा इमेजिंग सैटेलाइट फ्रॉम विच स्पेस व्हीकल, हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष यान से अग्रिम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, पीएसएलवी सी 11, पीएसएलवी सी 25, पीएसएलवी सी 43 या जीएसएलवी। तो का सही आंसर है दोस्तों पीएसएलवी सी 43। ओके फ्रेंड्स, ये इसको पीएसएलवी सी 43 से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2018 को। द हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो विच इज रिसेंटली लॉन्च बाई जीएसएलवी माइक 3 इज, इसरो का सबसे भारी उपग्रह जो हाल ही में जीएसएलवी माइक 3 द्वारा लॉन्च किया गया है, जीसेट 11, जीसेट 29, जीसेट 14 या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर दोस्तों जीसेट 19, जो सबसे भारी उपग्रह है इसरो का जिसको इंडिया के ही व्हीकल से लॉन्च किया गया। अभी इसमें एक पॉइंट है ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ये इसरो ने एक बस रिकॉर्ड कायम किया है, इसरो का सबसे भारी सैटेलाइट को, इसरो का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च किया। भारी व्हीकल कौन है, जीएसएलवी माइक 3, और सबसे हैवी सैटेलाइट कौन है, GSAT-29। द हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो वेट विच इज रिसेंटली सेंट टू स्पेस, आप आपको कहोगे सर यहाँ पर सबसे हैवी कौन है, देखिए सबसे हैवी की बात करें, सबसे हैवी इसरो का है GSAT-11, लेकिन इसका वजन देखिए 5854 है ना, और जो हमारा सबसे भारी जो लॉन्च व्हीकल है वो है जीसेट ये माइक 3 है ना, जीएसएलवी माइक 3, ये लगभग 4000 किलो तक किलोग्राम तक ले जा सकता है, इसको बेसिकली ले गया था विदेश की एजेंसी ने, लेकिन सबसे भारी उपग्रह यही है। और अगर बात करें सबसे भारी उपग्रह जो कि जो इंडिया के व्हीकल ले जा चुके हैं वो है जीसेट 29। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये चीज़।
इसको लॉन्च किया गया था, बेसिकली फ्रांस से लॉन्च हुआ था। इसको बिग बर्ड भी कहते हैं, सबसे भारी है होता है जी सेट इलेवन ध्यान रखिएगा। इसरो हैव रिसेंटली लॉन्च अ कम्युनिकेशन सेटेलाइट जी सेट सेवन ए फॉर विच पर्पज़। इसरो ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए एक संचार उपग्रह जी सेट सेवन ए लॉन्च किया गया है? फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, एयरोस्पेस कम्युनिकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन, इसका दिख रहा होगा आपको, इसका आंसर है मिलिट्री एप्लीकेशन। जी सेट सेवन ए ये मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज़ हुआ, मेनली इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ किया गया था। रिसेंटली लॉन्च एमीसेट सेटेलाइट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में लॉन्च किया गया एमीसेट उपग्रह किन दो संगठन की संयुक्त परियोजना है? इसरो बार्क, इसरो सीएसआईआर, इसरो डीआरडीओ या बीआरसी डीआरडीओ। तो सही आंसर दोस्तों ईआरसीओ, इसरो एंड डीआरडीओ। ओके फ्रेंड्स, इसका प्रोजेक्ट नाम कौटिल्य था, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सेटेलाइट। रिसेंटली कंडक्टेड एंटी सेटेलाइट वीपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम में आ जाएगा आपके। रिसेंटली कंडक्टेड एंटी सेटेलाइट मिशन वीपन मिशन बाई इंडिया, मिशन शक्ति जिसको कहते हैं, इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत द्वारा संचालित एंटी वीपन मिशन, जिसे मिशन शक्ति कहते हैं, किस दो संगठनों द्वारा की संयुक्त परियोजना है? इसरो बार्क, इसरो सीएसआईआर, इसरो डीआरडीओ या बीआरसी डीआरडीओ। तो सही आंसर दोस्तों ईआरसीओ, इसरो एंड डीआरडीओ। इंडिया चौथा कंट्री है जिसने ऐसा टेस्ट किया है, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथा कंट्री है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड होम एज अ चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। हाल ही में सरकार ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? रमेश्वर राव, जेपी मथई, पी सौमिथैया या नागेश्वर राव। तो सही आंसर दोस्तों नागेश्वर राव, बता चुका है मैंने आपको। इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच हैज़ बीन रिसेंटली रिकमीशन, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर जिसे हाल ही में अनुशंसित किया गया है, मतलब दोबारा इसे चालू किया गया है, अप्सरा फर्स्ट, धनुष है, ध्रुव, नन ऑफ द अबव। सही आंसर दोस्तों अप्सरा। ओके फ्रेंड्स, अप्सरा जो है सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो एशिया का भी सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसे बॉम्बे बीआरसी ने बनाया था। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कम सेंटर विच मिनिस्ट्री, परमाणु ऊर्जा विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये जब मैं आपको इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था तब मैं बताया था आपको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएम ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंटर ऑफ द अबव। तो वैसे यहाँ था दोस्तों पीएम ऑफिस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी दोनों इसके अंतर्गत आता है। इंडियाज थ्री स्टेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पावर प्रोग्राम वॉज फॉर्मुलेटेड बाई होमी जय भाभा इन विच ईयर। इंडिया का बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम वो थ्री स्टेज का है, उसको होमी जय भाभा ने बेसिकली पूरा बनाया, डिजाइन किया था, वो किस साल हुआ था, शुरुआत था 1950 में, 1960, 1945, 1955। तो सही आंसर दोस्तों 1950। ओके फ्रेंड्स, इंडिया के थ्री स्टेट प्रोग्राम है जो कि भाभा ने, होमी जय भाभा ने किया था 1950 में, इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ओके फ्रेंड्स, और बेसिकली क्या था, ये किस लिए था, ताकि टू सिक्योर कंट्रीज लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस, ताकि हमारा जो बिजली है वो हम उसमें स्वतंत्र हो जाएं, हम जो है उसे अधिक से अधिक बिजली बनाएं, ताकि हमारा जो है, क्योंकि बिजली की डिमांड बढ़ रही है तो बिजली की जो ज़रूरत है वो उससे पूरी हो सके। और इसमें था बेसिकली हमारे साउथ इंडिया में जो है मोनाजाइड सैंड काफ़ी है, मोनाजाइड सैंड से जो है थोरियम रिजर्व काफ़ी निकलता है, और थोरियम क्या है, एक जो है क्या है, एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिसेंटली परमाणु टेक 2019 कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एट विच प्लेस। हाल ही में विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग ने किस स्थान पर परमाणु टेक 2019 सम्मेलन आयोजित किया? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो सही आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, तो ऐसे ही हम आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और प्लीज़ अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।